देखो इस वीडियो के अंदर मैं अपकमिंग 7 सीटर कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च किया जाना है। हालांकि इनमें से कुछ कारें ऐसी भी है जिनका टेस्टिंग चल रहा है और इनको कई बार टेस्टिंग के दौरान स्पाइड किया जा चुका है। जो सबसे पहली कार आती है जिसको इंडिया में कल लॉन्च किया जाएगा वो है किया की करेंट। हालांकि यह सेल्टॉस का 7 सीटर मॉडल रहने वाला है और इसको रिसेंटली स्पाइड भी किया जा चुका है। जिस तरह से हुंडई ने क्रेटा को अल्गेजर नाम से इंडियन मार्केट में लॉन्च किया, सिमिलरली अब किया कंपनी करेन को इंडियन मार्केट में लॉन्च करने वाली है 6 और 7 सीटर कॉन्फिगरेशन के साथ। इसके अंदर बहुत सारे अपडेट्स किए जाएंगे एक्सटीरियर में और इसके इंटीरियर में बहुत सारे नए फीचर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी मेंशन किया है कि किया कंपनी इस कार के अंदर एडास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगी। इसके अलावा इस कार के अंदर 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन दिया जाएगा। 10.25 इंच का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम किया की करेंट इस कार के अंदर हमें देखने को मिल जाएगा। हालांकि सेम साइज का टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम आपको किया की सोनेट और सेल्टॉस के अंदर देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा लेदर के सीट्स और लेदर की अपहोल्स्ट्री इस कार के अंदर ऑफर की जाएगी। पैनोरामिक सनरूफ, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग और अच्छे खासे फीचर्स किया की इस अपकमिंग कार के अंदर हमें देखने को मिल जाएंगे। लॉन्चिंग की अगर मैं बात करूं तो किया कंपनी इस कार को कल यानी 16 दिसंबर को ग्लोबली अनवील करेगी। इसकी कीमत 10-10.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च किया जाना है वो है मारुति सुजुकी की XL7। हालांकि इस कार को ग्लोबल मार्केट में बेचा जाता है लेकिन इंडिया में अर्टिगा और XL6 ये दोनों कारें सेल पर है। हालांकि मारुति सुजुकी की अर्टिगा एक MPV कार है, इसके अलावा XL6 एक MUV कार है, लेकिन जो ग्लोबल मार्केट में XL7 बेची जाती है वो एक मिड साइज क्रॉसओवर SUV कार है। तो इस कार को ग्लोबल मार्केट में 7 सीटर SUV सेगमेंट में बेचा जाता है। इस कार के अंदर 1.5 लीटर 4 सिलेंडर K सीरीज का पेट्रोल इंजन दिया जाता है जो कि लगभग 103 BHP की पावर आउटपुट और 138 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर पाता है। शायद ये इंडियन मार्केट में आने के बाद इसके अंदर सेम इंजन स्पेसिफिकेशन दिया जा सकता है और इस कार को मिड 2022 के आसपास इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और इसकी कीमत 9 लाख रुपए के ऊपर ही रहेगी। वही जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा वो है टोयोटा की रूमियन। हालांकि इसको रिसेंटली साउथ अफ्रीका में लॉन्च किया जा चुका है और इस कार को इंडिया में भी बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा। मारुति सुजुकी अर्टिगा का ये रिबैज वर्जन रहने वाला है। लोगो चेंज होगा, फ्रंट फीशिया में और रियर के फीशिया में थोड़े से अपडेट्स हमें देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इंटीरियर काफी सिमिलर रहेगा एज कम्पेयर टू मारुति सुजुकी की अर्टिगा। इंजन स्पेसिफिकेशन और प्लेटफॉर्म के अंदर कोई भी चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे और टोयोटा कंपनी इस कार को मिड 2022 के आसपास इंडिया में लॉन्च करेगी। इस कार के अलावा टोयोटा कंपनी RAV4 को इंडिया में लॉन्च करने वाली है जिसको टेस्टिंग के दौरान बहुत बार स्पाइड किया जा चुका है। इसके अलावा CHR को भी इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है और यारिस को भी इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। टोयोटा कंपनी इस कार की कीमत 8-8.5 लाख रुपए रख सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो फोर्थ नंबर की कार आती है जिसको इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च किया जाना है वो है बोलेरो नियो प्लस। हालांकि महिंद्रा कंपनी ने बोलेरो नियो को इंडियन मार्केट में इसी साल लॉन्च किया, लेकिन इसका प्लस वेरिएंट यानी नियो प्लस वेरिएंट को बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा। इसके अंदर काफी एडवांस फीचर्स दिए जाएंगे एज कम्पेयर टू बोलेरो नियो। महिंद्रा कंपनी इस कार को 2022 में लॉन्च करेगी इंडिया में और इसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। वही जो लास्ट नंबर की कार आती है जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं वो है न्यू जनरेशन स्कॉर्पियो। इसकी पिछले 1.5-2 सालों से टेस्टिंग ही चल रही है और इसको इंडिया में अब बहुत जल्दी लॉन्च किया जाना है। इसके अंदर बहुत सारे अपडेट्स करे गए हैं, इसको नए प्लेटफॉर्म पर बिल्ड किया है, इसके एक्सटीरियर में बहुत सारे चेंजेस किए जाएंगे और इसके डायमेंशंस अब थोड़े से बड़े रहेंगे एज कम्पेयर टू ओल्ड जनरेशन स्कॉर्पियो। लेकिन आज के डेट में ओल्ड स्कॉर्पियो को भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है। आज के डेट में इसका सेल्स रिपोर्ट काफी हद तक अच्छा खासा है और आने वाली स्कॉर्पियो तो डेफिनेटली इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद तबाही मचाने वाली है। महिंद्रा कंपनी इस कार को जून 2022 को इंडियन मार्केट में लॉन्च करेगी और इसकी कीमत 10-10.5 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्सशोरूम प्राइस। तो इन 5 कारों को 2022 में इंडिया में लॉन्च किया जाना है। इनमें से किया की करेंट इसको कल इंडियन मार्केट में रिवील किया जाएगा। इसके ऊपर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना है। तो इनमें से आप किस कार का वेट कर रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।